परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है, वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो हम सब अजीत मान लेंगे, विद्वान पुरुष आप जीते हमारे ऐसे मान लेंगे। अब उनको मालूम नहीं, फिर कबीर साहब ने सारी स्थिति सुनाई, वहां बैठी थी संगत सारी। अब जी ऐसी ऐसी बात है, बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं, इनके पिता का नाम ज्योत निरंजन है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। 21 ब्रह्मांड का भगवान है। प्रकृति देवी इनकी माँ है, शेरावाली जिसे कहते हैं। इनके पिता नरेंद्र को 1 लाख जीव रोज खाने पड़ते हैं। इन तीनों की ड्यूटी ला रखी है ब्रह्मा श्री बनाओ विष्णु पाला शिव जी मार दे। इनसे ऊपर एक और परमात्मा भाई पूर्ण ब्रह्म, हम उसकी साधना बताते हैं। तुम तो ब्रह्म तक की साधना बताते हो, काल तक की। हम पूर्ण ब्रह्म की साधना, ओवरऑल कंट्रोलर वही है, हम उसकी साधना। उसकी साधना से हम सतलोक जाएंगे, वहां हमारा फिर मरण नहीं होगा। यहां पर स्वर्ग जाओगे, फिर नरक जाओगे, 84 चक्कर लगाओगे, ये तुम्हारा नियम बना रहेगा। पर जी कोई ना मान्या, फिर ला गया प्रवचन करण कि मैं सुनाता हूं और आप सुना दो। भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है, अच्छा आचरण होना चाहिए, बीड़ी शराब मांस तंबाकू त्याग देनी चाहिए, और अंत समय में जो राम का नाम लेते हुए प्राण त्यागता है वो स्वर्ग जाता है। अंत समय में जो भगवान का नाम लेते हुए प्राण नहीं त्यागता है वो नरक जाता है। चलो जी ठीक है, 5-7-10 मिनट आध घंटा उसने अपने प्रवचन किए, तो वो वहां से फिर सामने रात्रि होगी। 1/7 ब्राह्मण का घर था, उसके जाकर रुक गया। और वो ब्राह्मण जो है, उस ब्राह्मण का पड़ोसी जो है वो कबीर साहब का शिष्य था, जो सर्वानंद ने श्याम ने एक तो बकरा मुर्गा बनवाया और दारू की गुटी लाई, और वो कपड़ों से देखने लग गया। उसने देखा कबीर साहब से आगे बता दिया, महाराज जी वो तो बड़ी बड़ी बात बता रहा था, स्वयं शराब पी है रात्रि में और मुर्गा बनवाया है वहां पर। कबीर साहब बोले मुझे के बताओ भाई, मैंने खूब जानू हूं, पर कह दूंगा सिर फोड़ेंगे, तुम भी इनके अनुयायी भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हमारे गुरु जी ने बुरे बतावे हैं, इनके लक्षण ऐसे हैं, इनकी कथनी और करणी में दिन रात का अंतर है। कबीर साहब कहते हैं करणी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फिरे हैं सुनी सुनाई बात। करणी तो है नहीं, अनुसरण तो है नहीं उनके ऊपर, और बात बात बताते फिरते हैं। तो कथनी करणी तज कथनी कथे, यानी कथाएं सुनाते फिर स्वयं उन पर असर नहीं। अज्ञानी दिन रात, कुकर कहते हैं कुत्ते की तरिया, कुकर जो भौकत फिर नहीं है सुनी सुनाई बात। जब तक इंसान अपने जीवन में ढालेगा नहीं, इन बुराइयों को नहीं त्यागेगा, तब तक उनका जीवन अधूरा है, ऐसा बल है। एक ब्राह्मण, एक विद्वान पुरुष था मेरे जैसा, उसको बता रखा था, उसने नियम बना रखा था कि रोजाना रामायण के 10 पृष्ठ 4 पृष्ठ ऐसे पढ़ा करूंगा। ऐसे पढ़ता था, एक दिन उसने किसी काम बस शहर जाना पड़ गया, उस दिन वो पृष्ठ नहीं पढ़ पाया। तो सवेरे उठना था, दूर जाके रेलगाड़ी स्टेशन से पकड़नी थी, एक उसके साथ गांव का और व्यक्ति था। उसने क्या सोचा कि अब नहा धो लेता हूं और ये रामायण को अपने साथ ले चलता हूं, रेल में 2 घंटे का सफर है, वहां अपनी ये कथा पढ़ लूंगा। स्टेशन पर पहुंचे, टिकट ली, गाड़ी आ गई। गाड़ी में जब प्रवेश किया तो वो डिब्बा जो खचाखच भरा हुआ था, बहुत भीड़ थी उसमें। जब वो गाड़ी चल पड़ी
तो वो व्यक्ति जो मेरे जैसा था, रोजाना पाठ करा करता था रामायण का, अपने साथियों से कहता है जो उस पर बैठे थे सीट पर, कि भाई थोड़ी सीट खाली कर दो मेरे लिए। वो कहने लगे, क्यों भाई, कोई बीमार है तू? और वृद्ध भी नहीं दिख रहा है, खड़ा रहे और भी खड़े हैं। कहने लगा, मैं बताऊं तुम्हें अका, कि मैं एक कथा करता हूँ रोजाना, पाठ किया करता हूँ रामायण का, आज मैं किसी काम बस नहीं कर पाया, अगर आप कृपा करो तो मैं बैठ के रामायण का पाठ करूंगा। अब बैठ जाओ। फिर तो धार्मिक लोग थे, अपना परना बिछा दिया मेरे जैसे को और फट उसके ऊपर बैठा दिया। आप सुनाओ, हम सुने भी गए, एक पंथ दो काज सफर भी तय हो जाएगा। तो वो क्या सुना रहा है कि भाई, भाई हो तो ऐसा देखो, भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया, जबकि उसकी मां ने उसके लिए अपने उसके पिता से राज मांग लिया था वचनबद्ध होकर। उसने अपने बड़े भाई की खड़ाऊ को राजगद्दी पर रख के राज किया, और जब वापस आए तो उसका राज तुरंत सौंप दिया। भाई हो तो ऐसा, बड़ी 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 उनके रोंगटे खड़े कर दिए सबके, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया भाई वाह, ऐसे महात्मा ऐसे महाराज तो हमने कभी देखे को नहीं। बैठ गया फूल के। एक ने कथा करवानी थी, वो ढूंढता अंदर था पंडित जी ने, मेरे जैसे ने यानी भाई महाराज जिया ने। वो कहेंगे, महाराज जी मेरे तो बिल्ली के बाघा सिक्का टूट गया, अब तो बड़ी दया हुई, अपने आप भगवान मिल गए मुझे, क्या बात है कि मैंने ये कथा करानी सर आज ही शुरू करानी थी और मैं तो बहुत लेट हो रहा हूं, आप चलो कल से शुरू कर देना। मैं बोला, भी आज तो मैं किसी स्वरूप पर नहीं जा सकता, क्यों? अगर मुझे कोई जरूरी काम है। ले, संतों में के काम होते हैं, कथा ही तो करनी है, शाम को चल पड़ेंगे कि नहीं, आज मुझे जरूरी काम है। उसका जो साथी था ना, वो कहता, मैं बताऊं इसको क्या काम है, क्या इसने अपने भाई पर मुकदमा कर रखा है, इस विद्वान पुरुष ने, इस महाराज जी ने अपने भाई पर, छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है, वो भी क्या एक छोटे से, एक मेरे ख्याल में 50 गज का प्लाट है, भाई बंटवारा ठीक नहीं हुआ इनका, और मैं इसका गवाह हूं भाई, आज ये बात माजी न्यू को नहीं जा रहा, क्यों इसने आज पहुंचना तक कोर्ट में हाजिरी देनी से दोनों। अब कथा तय करें, भाई हो तो ऐसा, और स्वयं भाई का मुकदमा कर रहा कर रख्या। तो ये है कुकर जो भौकत करे हैं, सुनी सुनाई बात, कथनी तज करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत करे हैं, सुनी सुनाई बात। सुबह सुबह वो तो फिर आ गया जी कबीर साहब के पास, कहने लगा, भाई लिख कर दे दे, तू हार गया, अब हार तो गया पर पहले घूम फिरावन न मिटाते, आगे लिख तू, ऐसे की जल्दी मान रहा था, उसने लिखवाना जरूरी था, इधर ना लिख, इतना जा नहीं सकता था। कबीर साहब बोले, लिख लेना कोई बात नहीं, घूम फिराते आ जाओ, चले चले गए गंगा के आसपास, झाड़ियों में जाकर निपटने लायक गए। सर्वानंद एक झाड़ी की आड़ लेकर निपटने के लिए बैठ जाता है, कबीर साहब जल्दी से उठकर आ जाते हैं, क्यों उन्होंने लीला करनी थी, और सर्वानंद से कहता, सर्वानंद राम राम भाई। सर्वानंद नहीं बोला, सर्वानंद राम राम, सर्वानंद राम राम। सर्वानंद जी गरडू बैठ गया, कथी सांस निकाल दे कथी, उसमें सोची बच्चों महाराज जी ने कबीर साहब बुलवाना था, पर उसकी बात और आदि बताना था कि महाराज जी रुके माने क्यों हो गया, तो सब ने ध्यान से सुना कि भाई महाराज जी राम राम कर रहे, मैं बोल नहीं रहा। आगे दी पहले सर्वानंद ने हाथ धोए, फिर स्नान किया, और फिर लोटा मांजा, और 3 बार यूं रेती लगा लगा के 3 बार स्नान किया, 21 बार हाथ धोए मिट्टी से, और फिर कबीर साहब के पास, कबीर साहब पर बाट देखे किसी तरह आवा चालना करना, और कबीर साहब क्या कर रहे हैं कि एक लोटे में अंदर गोबर डाल रखा है अंदर थोड़ा सा, और ऊपर से मांजन लग रहे उसको मिट्टी से यूं करड़ी अच्छी तरह। सर्वानंद कहता है, ओ कबीर, हाँ तने तुझे मालूम नहीं, तू बड़ा बुद्धिहीन है, अब क्या हो गया महाराज जी कि मैं गलती बन गई, तुझे मालूम नहीं मैं निमटने जा रहा था, और उस समय मैं अशुद्ध था, मैं कैसे कहता राम राम, है तुझे शर्म नहीं आई, तुझे इतना ज्ञान नहीं है कि
निमटते समय राम राम नहीं कहना चाहिए, अशुद्ध हो जा सर। कबीर साहब बोले तो निमटते आना तो मर जा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाए बिरा तो गया नरक में। क्योंकि कल तो कह रहा था कि अंत समय में राम नाम नहीं निकलेगा वो नरक जाएगा। एक तो सारी निष्फल कमाई बेटा, क्या जंगल जाती है, प्राण त्याग नहीं सकता इंसान, खूब आराम से मर सकता है, ये थारी साधना है। चुप हो गया भाई, बात तो सो की सो है, ये तो कोई ऐसी बात आराम मारे बंदी छोड़ कहते हैं। ये शब्द निर्लेप होता है, इसके कोई शुद्ध अशुद्धि नहीं है, इसका कोई जो है ना लेप नहीं बनता नाम किसी प्रकार भी। बाथरूम जाते हुए, निमटते हुए, खाते हुए, पीते हुए उसको सिमरन में लगे रहना चाहिए। श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, और ना बेरा इस श्वास का विरा आवन हो ना। फिर कहता तू ये क्या कर रहा, तेरा लोटा तो चमक गया है, और जो है ना इसको क्या कर रहा है, क्योंकि सर्वानंद ने भी लोटे को बहुत अच्छी तरह मांझा था। कबीर साहब कहने, वो कहने का तेरा लोटा तो बिल्कुल चमक रहा है, इसको क्यों धो रहा है, कि अंदर इसमें गोबर पड़ा है, ये साफ नहीं हो रहा, मैं बहुत देर का लगा हूं। सर्वानंद कहता क्यों लगता है बुद्धिहीन, इसको अंदर से साफ करो, ऊपर से मांझने से क्या होगा। कबीर साहब कहने के भाई ये ऊपर के जो है ना तुम ये तलक पलक ला कर छह बजे गंगा मनाते हो, इसके स्नान से नहीं होगा, अंदर से साफ हो जाओ, अपने विकार त्याग दो, अपनी बुराई छोड़ दो, सत भक्ति पर लग जाओ, मेरा जो बात करेंगे। उसने तो मानना था नहीं, क्योंकि चातुर प्राणी चोर है, मूड मुग्ध है, ठोठ और संता के नहीं काम के, इनकी दो गड़जोट, ये संता के काबिल नहीं होते, ये तो अपनी चला करें, और मूड वो है जो उन पर आधारित हो गए, जो हम बात बताते हैं उनको नहीं सुनेंगे, उसी पूजा पर जाएंगे, पीपल पूजन मूर्ति पर आपका हाथ जो खड़े में मूर्ति की मिट्टी की मूर्ति आ गए, अनजान आत्मा ना वह बोल सकती ना देख सकती, कुत्ते उस पर मुत है, उसका गम हाथ जोड़ रहे और प्रार्थना करते हैं उसको, हमें यू करना, हमें यू करना, तेरे फूटे भाग बतावे क्यों कर समझावे ना। तो वो मूड प्राणी है जो नहीं मानते, और वो चातुर प्राणी वो गुमराह रखते हैं। तो यहाँ कहते हैं चातुर प्राणी चोर है, मूड मुग्ध है, ठोठ, ये संतों की भक्ति नहीं पढ़ा सकते, इनकी जो गड़जोट, अब तुम वही लगे रहे जहां लग रहे हो। ये गीता जी में लिखा है कि अर्जुन ये मूड प्राणी है, इनको समझाना व्यर्थ है, इन्हें छेड़ा ना करो, और ये जो गणेश सियाने हैं ना वो भी कति नहीं मानेंगे आपकी, जो असली हंस होंगे उनको समझाना वो अवश्य समझ जाएंगे। तो फिर कहता है कि वो लिख देना तू हार गया था, अगले आर्या हो रहा हूं मैं, कुछ जानता नहीं, कुछ और नहीं, आप ही लिख लो, मैं तो हम लिखना नहीं जानता, अनपढ़ हूं। सर्वानंद ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद से कबीर साहब पराजित हुए, आप भी दस्त गुठे करवा लिए, बंदी छोड़ का अंगूठा लगवा लिया, एक दो गवाल का उस पर दस्त करवा लिया, अंगूठा लगवा लिया, और अपनी मां के पास आ जाते हैं। वो कहने लगा मां देखा तेरा शेर ये ले, और आ दिया वो तो लिखवा ला भाई, अब लिखवा ला कि पढ़ के सुनाओ मुझे। पढ़ के सुनाता है कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ, कबीर साहब विजयी हुए, ऐसे लिखा पाया। वो बोला अरे तू तो कह था मैं, तू तो कह रहा था मैं हरा दिया उसको, तू तो आप ही हार क्या है, अकमा लिखने में फर्क रहेगा मेरा, लिखा तो ठीक तो मेरी गलती रहेगी लिखने में, उल्ट लिखागा क्यों बेटा, फिर लिखवा ला। दोबारा फिर गया, फिर जाकर के कहता कि कबीर साहब, कबीर कहाँ जी, क्योंकि भगवान वो साहब भी ना कहे, आप पे मगरा बड़ा बन गया था, अखाँ क्या बात है विद्वान पुरुष कैसे आना हो गया, कि मेरे वो लिखने में कुछ उक चुक लग गई, उल्टा लिखा गया, कि फिर से उल्टा लिख ले भगवान, ये की बात से ये अंगूठा तैयार से फिर लगा दूंगा। उसने फिर लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब पराजित हुए और सर्वानंद विजयी हुए, अंगूठा लगवा के गो गवाह के दस्तक करवा के आ गया। फिर क्या कहता है अगले माँ, अब बेटा फिर पढ़ के सुना, फिर वही पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब विजयी हुए। फिर देखा या क्यों बनी, कह लगे माए तो गड़बड़ रहेगी, फिर लिखवा के लाओ, फिर लिखवा लिया भैया, तीसरी बार फिर लिखवा लिया, और उसको पढ़ता पढ़ता आ रहा है
कि कदे फेर गड़बड़ ना है, कदे इन करके वहां सुनाओ सुना उसके सामने अक्सर चेंज हो गए। पढ़ते पढ़ते कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब विजय हुए और सर्वानंद हार गया, सच्चाई भी यही थी। उसकी ओवलारी माँ, ये तो फेर वैसे ही हो गया, उसकी माँ बोली जाकर पैर पकड़ ले, बन रहा सर्वा जीत, वो परमात्माओं के परमात्मा है। उस दिन जाके सर्वानंद ने वो पटक का सारे शास्त्र और कबीर साहब के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने एक नाम दिया, न शास्त्रों के उठाए फिरने से कोई लाभ नहीं होगा, बीमारी कटेगी मंत्र और नाम से। ये कैप्सूल है इस रोग में काटने का, तो ये पूरे गुरु बिना नहीं कटे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगी। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या त्रिसेना बढ़गी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है या त्रिसेना बढ़री खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा गिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रो जग सारा रो गिया रे, जिन सतगुरु जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु भाई पूरा सतगुरु को ये न पूजया झूठे जगपति आसी, भाई साचा सतगुरु को ये न पूजया जगपति आसी, अंधे की बागही अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग रे जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया न तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे ये काल ठोक पंजारा, जग सारा रोगिया रे, दिन जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैदन सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन कह कभी तुम सत्कर्मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रो वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन कह कबीर तुम सत्कर्मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन
जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना सत साहिब। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि भाई बिना पूरे गुरु के सभी को रोग लगा हुआ है, जन्म मरण का रोग लगा है। ये सबसे दीर्घ रोग हमारे जन्म और मरने का है। ये जन्म मरण का रोग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत पुरुष की उपासना के बिना नहीं मिटेगा, ना ब्रह्मा जी की उपासना से, ना विष्णु जी की उपासना से, ना शिव भगवान की उपासना से आपका जन्म मरण मिटेगा, और ना ही निर्गुण भगवान निराकार भगवान ब्रह्म की उपासना से मिटेगा। ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म शक्ति है, परब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसको सत पुरुष कहते हैं। वो अनंत करोड़ ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल तीन लोक के ईश्वर हैं। ये बार बार क्यों रिपीट करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि हमारा जो मूल काम है यहीं से चलता है, और हर सत्संग में नई हम सात्मा आती हैं, उनको हमारा ये ज्ञान बताना आती है, सत होता है। ये भी जन्म और मरण के अंदर है ब्रह्मा विष्णु महेश भी। गीता जी में लिखा है कि जब कल्प का अंत होगा अर्जुन, ये ब्रह्मा आदि के लोक नहीं रहेंगे, सब समाप्त हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं रहेगा, ना चांद सितारे रहेंगे, ना ये स्वर्ग रहेगा, इसमें केवल परब्रह्म रहेगा, पूर्ण ब्रह्म रहेगा। तो इस प्रकार जन्म मरण का रोग हर प्राणी का लगा हुआ है, और यहां की साधना से कट नहीं सकता। ये जन्म मरण के रोग को कबीर भगवान काट सकते हैं। तो कबीर भगवान की साधना सतनाम और सारनाम की है, वो भी पूरे गुरु से लेकर गुरु मर्यादा में रहकर आप इस झंझट से छुटकारा अति आवश्यक अति बहुत जल्दी इसको जाना छुटकारा पा सकते हो, अति शीघ्र अपना ये छुटकारा करवा सकते हो। और बहुत ही आसान तरीका है, घर में रहे, अपने बाल बच्चों में रहे, एक नाम का सिमरन करे, अपने बच्चों की भी अच्छी लाइन पर लगावे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। फिर और तृष्णा बढ़ रही खांसी, हमारी जो इच्छाएं हैं मनोकामनाएं हैं, ये हमें यहां पर उड़ा कर रखती हैं। कोई कार मांगता है, कोई कोठी मांगता है, कोई फैक्ट्री लगवाना चाहता है, कोई बिजनेस बढ़वाना चाहता है। कबीर साहब कहते हैं क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई और देखत नैन चला जग जाई। क्या मांगो भगवान से, कोई चीज स्थाई नहीं है। एक लख पूत सवा लख नाती का रावण कह दीवान बहती। क्या मांगो भगवान से, ना बच्चे अगर औलाद मांगता हो यह भी नहीं रहने, हमने भी चला जाना, इन्होंने भी एक दिन यहां से प्रस्थान कर जाना है। कितनी ही हमारे पास संपत्ति हो जाए वो भी अपनी नहीं है। जैसे रावण के पास सर्वसाने की लंका होती, रावण से रणधीरम एक पलक में राज विराजी दम के प्रेम। क्या मांगू कुछ स्थिर ना रही देखत नैन चला जग जाई। ये सभी जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। एक लख पूत सवा लख नाती और उस रावण का दीवान बहती, ऐसा सर्वनाश को प्राप्त हुआ भगवान की भक्ति बिना। ऐसा नहीं है कि उसने भक्ति ना की थी, पर भगवान शंकर की भक्ति की थी, उन्होंने जैसा कर्म किया उसका फल दे दिया, लेकिन उसके कर्म के दंड को नहीं काटा जो उसने कुबज कमा दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसने सर्वनाश को प्राप्त हुआ और वो रावण जो है सपरिवार नष्ट हो गया। अब कहते साचा सतगुर कोए ना पूजे झूठे जगपति आसी, अंधे की बा पकड़ी अंधे ने, बताओ मार्ग कौन बतासी। हमारे समाज में 99% या 99% पूजा देखम देखा है। कोई शुक्रवार का व्रत रखता है तो दूसरी बहन भी शुक्रवार का व्रत रख देगी, शुरू कर दे उसने नोना बेरा, यू रखना चाहिए कि ना रखना चाहिए, नहीं वो पड़ोसन रख रही है कि शुक्रवार का व्रत रखती हूं तो मैं भी शुरू कर देती हूँ कर दो। कोई सोमवार का शुरू कर रखा है तो देखम देखा सोमवार का शुरू कर देंगे,
और कोई मंगलवार के मंडरी है, वर्क से कोई लाभ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। व्रत का भगवान के पाने का पता कोई भी तो साधन नहीं बनता, कोई आपस में इसका सहयोगी नहीं है, वो तो नाम से ईश्वर मिलेगा। नाम पूरे संत लीजिए और फिर अपनी भक्ति शुरू कर दीजिए, फिर आपको परमात्मा के गुण आपको दिखाई देंगे, मिलेंगे। हमने बार बार ये बातें क्यों बतानी पड़ती हैं, क्योंकि हर समय नए अंश आते हैं। मूर्ति में परमात्मा नहीं है, कबीर साहब बताते हैं कि वो तो एक चित्र है ईश्वर का, जैसे आम के चित्र में आम के गुण नहीं है, ऐसे उसमें भगवान नहीं है। हाँ, चित्र को देखने से उस ईश्वर को पाने की उमंग उठती है, क्योंकि उसके गुणों से हम परिचित हैं। इसी प्रकार सेब आम को देखकर, उसको चित्र को देखकर उसके पाने की लालसा उत्पन्न होती है, लेकिन आम को चित्र न देखकर उसी के ऊपर आरती करने लग जाए, उसका कहने लग जाए मेरा मीठा मुंह कर दिए आम, मेरा मीठा मुंह कर दिए, मेरा पेट भर दिए, वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे मूर्ति का अगर कहने जाओ हमारे जो है ना फलाना काम कर दिए मूर्ति, फलाना काम कर दिए भगवान, वो कुछ नहीं करेगा। वो तो आम जैसा चित्र है, जैसे आम को खाना होता है पहले पैसे लीजिए, मंडी में जाओ मार्केट में आम खाइए, पैसे पहले कमाने पड़ेंगे। ऐसे ही संतों के पास जाइए अगर भगवान के गुण लेने हैं, आपको नाम देंगे, नाम की कमाई कीजिए, आपको वो गुण मिलेंगे जिसकी तुम प्रार्थना करते थे, उजड़ के आ गए, फिर आपके घर में वो वस्तु आपको मिलन लग जाएगी। ये तरीका ईश्वर पाने का है। आगे कहते हैं अंधे की बा गई अंधे ने देखम देखा, चल रहे हैं सभी, ये मार्ग कौन बताए। तो जब तक हम सतमार्ग पर नहीं आएंगे तब तक ये बात बनेगी नहीं। देखा देखी गुरु शिष्य हो गए किया ना तथा विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पर यू काल ठोक कर पंजारा। आपने कोई विवेक तो है नहीं, जहां पर देखे ज्यादा जन समूह एकत्रित होता है पहुंचे हुए संत मानकर उनसे नाम ले लेते हो, चाहे वो अधिकारी है या नहीं है। तो जब तक वो आपको सही अधिकारी हंस नहीं मिलेगा संत, तब आपकी पूजा प्रफुल्लित होगी, अन्यथा नहीं होगी, आप मार खा जाओगे। यहां कहते हैं सार शब्द सरजीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, सार शब्द सार नाम जो है ये जन्म मन काट सकता है, अन्य नहीं काट सकते। कह कबीर तुम सतकर मानो भाई जन्म मरण मिट जावे। एक समय की बात है, हमारे यहां पर जो नाम है ना ओम मंत्र, ये सबसे उत्तम मंत्र है। ओम मंत्र इस ब्रह्मांड का उत्तम मंत्र है, ये ब्रह्म प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन है, स्वर्ग प्राप्ति का सबसे उत्तम मंत्र है, नाम है। एक समय नामदेव जी एक बहुत पहुंचे हुए यहां महाराष्ट्र के संत हुए हैं, ओम नाम के जाप से उनमें इतनी शक्ति आ गई थी कि एक बार नामदेव जी एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे। नामदेव जी छिपा जाति से थे, मंदिर में आरती हो रही थी, जब आरती हो रही थी घंटियां बज रही थी, भगवान की स्तुति गाई जा रही थी, आत्म विभोर हो गए क्योंकि पुण्य आत्मा थी, और तो घंटियां बजा रहे थे, उसने अपने जूते निकाल कर ऐसे बजाना शुरू कर दिया और बजाता बजाता उन पंडितों के बीच में पहुंच गया। पंडितों ने देखा ये छोटी जाति का समय जूते आरती का दोहरा गया, नजदीक आ गया, उसकी पकड़ कर बाजू उस संत की, और एक ने पकड़ कर धक्का पीछे दे दिया, मंदिर के पीछे पटक दिया ठाक है। कहते मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ हो गया और पंडित जी पीछे घंटी पीटने लग रहे उसके पछले गाने खड़े। इतनी शक्ति उस नामदेव जी में आ गई थी। एक दिन नामदेव जी उनके पिताजी जो है किसी कामवश बाहर जाना पड़ गया, नामदेव की माता और पिता ने, उन्होंने कहा कि नामदेव बीठल भगवान को भोग लगा के पीछे दूध पिला, तुमने अन्नपान करना है, जलपान करना है। उसकी मां जाती दफा फिर कहेगी बेटा ध्यान रखना, तू बालक है, कभी भूल ना जाए,
अग्नि मां भगवान को भोग लगा के पीछे दूध पीऊंगा, रोटी खाएंगे। भोग क्या लगाते थे कि दूध का कटोरा रखे और विष्णु भगवान की मूर्ति का रख लेते थे। तो माता पिता जैसे करते थे, 10 मिनट पीछे ठा कर अपना आपा पी लिया करते थे, सबको बांट के पिला देते थे। और नामदेव ने सोच ये पर्दे के पीछे रखा करते थे। नामदेव को उसकी माता फिर कह के जाती, बेटा ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं, कह रही हूं इस बात का जरूर माता जी, कति नहीं बोलूंगा, बेशक दो निश्चिंत होगा। अब नामदेव ने अगले दिन स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के और दूध का कटोरा गर्म करके मीठा डाल के भगवान के आगे रख दिया विठल जी की मूर्ति के सामने और कहते हैं भगवान भोग लगा लो। उसने यूं ना दे रहा था, ये माता पिता हेराफेरी करा करते हैं, भगवान के आगे सामने रखते रखते तो बाद में आप ही पीते थे। उसने सोचा ये भगवान ही पीता होगा जो रोज भोग लगाते थे, तो ये उनके सामने रखकर हाथ जोड़ खड़ा, भगवान भोग लगाओ, भगवान भोग लगाओ, विठल भगवान भोग लगाओ। उसने 4 घंटे हो गए भोग लग ठाक पर देखे नो का ऐसे दूध का कटोरा भरा दिखे, रोन लग गया बैठ के, ये भगवान मेरे माँ बाप पीटेंगे अपना दूध ना पिया था, महाराज जी मैंने पूरी क्रिया का बेरा नहीं, आप कैसे पीते हो, पर मेरे पर मेहर करो मालिक, ये दूध पी लो। नहीं पिया, उन्हें भी अन्न नहीं खाया, अगले दिन फिर रख दिया, नहीं पिया ऐसे दिन रोटी नहीं खाई। तीसरा दिन हो गया कि कल माता आओगी उतने गड़ेगी अंत पीतेगी आकर के, देख के कहानी बनी है भगवान, ये मालिक मैं बालक सो आपका आपका बच्चा हूँ, मुझे मालूम ही पूरी क्रिया का, आप कैसे पीते हो, तुम्हारा जी आज मेरी पिटाई होगी तन के, आप दूध पी लो। नो फूट फूट करवाने लग गया, क्योंकि उसने गुनाह बेरा था बेचारे। जब वो देखता है तो उस मूर्ति के हाथ ऐसे हिले और कटोरा उठा के दूध का गट गट पीगी और उल्टा खाली करके कर दिया। जब नामदेव को जी में जी आग जान तब कह दूंगा माता जी 2 दिन तक पिया नहीं, 3 दिन जो पूजा आपके गुरुदेव कर रहे हैं आप वो कर नहीं सकते, अर्थात आप स्वर्ग नहीं जा सकते, इसलिए आपका वहां पर साधना करना व्यर्थ है, वो गुरु की पूजा करना व्यर्थ है, क्योंकि आपके गुरु जी ऐसे जाएंगे स्वर्ग को। और भाई जैसे मैं तो खाना खाऊं, आप क्या करने जाते हो, मैं अपने दर्शन करने जाते हैं बस, मैं तो खाना खाऊं और तुमने कह दो मेरे दर्शन करके जाओ रोटी मत खाई हो, काम तो दोनों होगा, खाना खाने से बात बनेगी, गुरुजी ने भी खाना खाना पड़ेगा और आपने भी पेट भरना पड़ेगा। अर्थात जो साधना आपके गुरुजी कर रहे हैं आपने ऐसे ही करनी पड़ेगी अगर आपने उनके जैसा बेनिफिट लेना है तो, और नहीं तो नहीं बात बनेगी। क्या ये समझे आप, अभी कति समझ गया, नादान तो वो क्रिया कर नहीं सकता था, नरक में जाएगा फिर स्वर्ग कहां मिला आपको। और भाई हम ऐसी साधना बताते हैं, हम घर में रहते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं मुंह बोले, एक लड़का एक लड़की, मुंह बोले कैसे महाराज कि भाई वह आपको मालूम ही है बताया था कि ऐसे ऐसे वो दो बच्चे जीवित किए हुए हैं वो मेरे साथ रहते हैं जैसा, और हम अपना ताना अपना रेजा बनते हैं, कपड़ा बनाते हैं, बनते हैं अपना मंत्र भी करते हैं। भई हम ऐसे ही अगर गृहस्थी लोग ऐसे गृहस्थी संतों के आसरा लेंगे तो अपनी क्रिया कर सकते हैं, नहीं तो व्यर्थ है उनकी पूजा, क्योंकि बुद्धिजीवी था, माइंडेड आदमी था, दिमाग उसमें बहुत था, राजा लोग एक पॉइंट पर पकड़ गए बिल्कुल 100 की 100 ठीक है। अब उसकी तरह तो मैं जा नहीं सकता, घर छोड़ नहीं सकता, 2 घंटे मौन नहीं रह सकता, तो हमारी क्रिया फेल है। और गरीबदास जी कवि साहब कहते हैं कि मौन रहा तो क्या रहा, वो बोल रहे सैनो भेव और मौनी वक्ता एक है ना पर सजल देव। अब क्या करते हैं मौन रहने वाले, एक महात्मा मौन रह रहा था, मैं वहां जाने लग गया चला गया, एक दिन रास्ते में जा रहा था, मैंने आश्रम देखा तो नौकरी करता था उसमें, नाम उपदेश मैंने ले रखा था, सतगुरु की वाणी का काफी ज्ञान हो चुका था सत्संग का, और मैं उससे पहले मिला था जब वो मौन नहीं रखा था, दोबारा गया तो उसने मौन रख रखा, मैंने पूछा वो महाराज जी कहाँ हैं कि वो तो अंदर बैठे हैं क्या, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मिल लो बाकी वो बोलने को ना, क्यों भाई डॉक्टर ने बंद बता रखा, अगर ना वो मौन रख रहे, मौन रख रहे, अच्छा गीसा पंथी चौखा भाई
दर्शन तक करना है तो वहां दर्शन तक वो देखते ही बाहर आ गया, मुझे जानता था, उनके बरंडे में बैठ गया। तो मैं तो पीछे पूछू था उसने कि लिखता कि तो पहले लिख रहा था स्लेट पे पेंसिल से, आप कहाँ से आए आज? वो मेरे आगे कर दिया, मैंने देखा तो प्रसन्न किया मेरे से। फिर मैंने उसको बता दी मैं ऐसे ऐसे ही कर जा रहा था और मन में आई कि आपके दर्शन करता था। अच्छा, फिर मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, कब तक करोगे? उन्होंने लिख कर दिया 3 महीने तक ये व्रत रखूंगा, इसमें जितना दूध पीना पड़ेगा इतना बस ऐसे करना। और भी कोई आ गया उससे मिलने वाला, उससे प्रसन्न किया, उसने लिख कर दिया ऐसे कर लो। उसने पानी की प्यास लगी और मेरे लिए कहा, उसको लिख के दिया उस सेवक को, ऐसे सेवक था ही, और लिख के दिया चाय पिलाओ, इनके लिए चाय बनवाओ। उसने लिख दिया कि इनके लिए चाय बनवाओ और उसको दे दिया। और फिर कहा मेरे लिए पानी लाओ। अब कभी गरीब दासी का बौड़ी पूछे, ये लखन में घना समय लगा क्योंकि डिस्टर्ब ऑफ माइंड तो होगा, भक्ति तो हो ही नहीं रही तुम्हारी, इसे छत बल्कि बोल कर जल्दी बता दे, पानी पा दो ना और फिर मौन कर ले जाना डिटेल साथ। ये इनकी साधना अथरा गजब हुई है। मौन रहा तो क्या रहा, बोला सैनो भेव, इशारा से बोलने लाग रहा, बताओ बात तो वही है, डिस्टर्ब तो हो ही रहा है, तो भक्ति तो तेरी बनी नहीं रही। पर इन ड्रामे बाजी ने दुनिया घड़ी पसंद करे। और जब उसने खोला मौन, ओ महात्मा ने मौन खोला भाई, तोड़ लाग गए दुनिया के, कोई गेहूं ले जा रो रुपये चढ़ावा ढेर लाग गया। उसने अपना काची कार कटवाई अगले आप महीने भीतर कटवा लिया, फिर मौन की क्या जरूरत थी, फिर जरूरत पड़ेगी फिर बैठ जाएगा मौन एक दिन। थारा गजब हो, ये तुम्हारे बाजी में दुनिया ठीक रहती है, बड़ी प्रसन्न रहती है। क्यों माता ने एक दिन जाना है उसके दर्शन कर 10 रुपये चढ़ाने के लिए, बाकी की तरह लो, अरे यहाँ बैठना पड़ा 3-3 घंटे सक्सेस होने की खातिर, यहाँ कौन आवे, अरे यहाँ ही बना बीमारी कट्टे को ना, ये ऑपरेशन आना होगा और हो नहीं सकता कहीं। तो जी वीर सिंह तुलसी से समझ गया, बोला महाराज जी फिर एक बीमारी और अटकी क्या, कि मैंने गुरु जी बना रहा, खैर नो सुना है कि गुरु बदलना नहीं चाहिए तो कुछ भी हो जाए। कबीर साहब कहने लगे गुरु को तुरंत बदलना चाहिए ना तो बिजली पड़ जाएगी। अगर आपके गुरु अनुकूल नहीं है, जब आपको ज्ञान हो गया उस गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए और अपना से 20 गुरु बनाने पड़े। जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन ना हो आप गुरु बदल दीजिए, तो कोई पाप तो नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं, आप तो पुन पुन भागी हो गए कि उस नरकाहारी गुरु से पीछा छूट जाएगा तेरा। तो महाराज जी फिर मैं जो उपदेश दे दो, उपदेश दे दिया प्रथम स्टेज का। प्रथम स्टेज का जब नाम दे दिया तो कुछ दिनों के बाद 6 महीने के बाद सतगुरु का फिर वहां पर आना हो गया। वैसे बीच में वो स्वयं वीर सिंह मिलता रहता था, अच्छी श्रद्धा बन गई थी। अब कहते तन मन शीश इस अपने पर पहले चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे। अब हमारी श्रद्धा अपने इष्ट में कैसे होनी चाहिए, हम दोगले चलते हैं कई बार। हम गुरु को तो मानते हैं मनुष्य और मूर्ति न मानते हैं भगवान जो पत्थर की दर रखी की तरह। ये भ्रमना हमारी अज्ञानता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही उदाहरण हटाने, यही अंधेरा हटाने के लिए प्रमाण ये उदाहरण देता हूं कि कबीर साहब दूसरी बार गए, वीर सिंह बघेला ने चरण छू करके प्रार्थना की, भगवान यदि ये दास आपका सतनाम के योग्य हो गया हो तो सतनाम दे दो। अकबर योग्य तो हो चुके हो लेकिन इसमें मेरी एक शर्त है, वो के महाराज के मुझे एक 7 हाथ का यानी 10-11 फुट लंबा और सफेद वस्त्र चाहिए ताजा बना हुआ। अच्छा जी मंगवा देता हूँ, थान के थान ले आऊ मालिक, और मैं बताऊ कौन सा लाना है बताओ। आपकी नगरी में एक चंद्र प्रभा नाम की एक विधवा बहन रहती है ब्राह्मण जाति में, और उसने भाई नाम ले रखा तुम्हारी गुरु बहन है। उसने एक साड़ी यानी धोती तैयार की है जगन्नाथ के, ऐसे ऐसे अपने घर पे बगीचा बोया, एक बगीचा बनाया,
उसके अंदर यह कपास बोई, कपास के पौधे बोए और गंगा जल स्नान करके स्वच्छ होकर नहा धोके अपने सर पे गंगा जल के मटके ढो ढो कर उनकी सिंचाई की। और फिर वो जो बड़े हुए उनके वो खिली कपास वो अपने हाथ चुनी और चुन कर फिर उनको लोढ़ा बनौले नारे किए, अपने हाथ से तार काटे और काट के आप ही खड्डी में उसने बनाई है। और वो साड़ी जो तू लिया दे भाई, वो वस्त्र लिया दे तो तुझे मैं नाम दे दू, ना तो नाम नहीं दू, वैसे नाम मिला को। वीर सिंह ने सोचा है भगवान आई भी लाया या कौन सी बात, क्योंकि वो राजा और फिर जो मेरा भी राजा ने प्रजा नाट नहीं सकती, एक छोटे से वस्त्र की वजह में उसने अपनी बहन ने ना जाने के दे दूंगा और मेरा आत्म कल्याण होगा। तो वहां पहुंचा, कहां पहुंचा, वीर सिंह ने पहले अपने सैनिक भेज दिए सिपाही के भाई जाके उस बहन को कहो कि आपके पास राजा आ रहे हैं और कोई आवश्यक कार्य है, आवश्यक कार्य है। तो उन्होंने जाके कहा कि बहन ऐसे ऐसे महाराज जी आ रहे हैं वीर सिंह जी। वह बोली भाई वीर सिंह जी आकर हमारे घर पे आना कैसे हो गया। वह एकदम घबराशी की कि राजा का गरीब के घर पर आना और कोई सह तो बात गड़बड़ी। चलो बयान दे के बसा है, चारपाई डाल दी, बढ़िया वस्त्र जिसे घर पर थे बिछा दिए, इतने दूध गर्म करके ठंडा करने लग रही कर रही। वीर सिंह पहुंच जाता है, खड़ी होकर सत्कार करती है, आओ राजन आज कैसे आना हुआ हमारे द्वार पर, हमें बुला लेते भगवान, राजन आप क्यों तंग पाए, अग्नि बहन ये मेरा आना जरूरी था। खाट पर बैठ के प्रार्थना करते हैं, क्या 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 हक है, क्या दिक्कत, मतलब आगे आदेश साहब का दूध ले आई साथ में कि दूध पी लो। नोवली बहन, नोवला बहन दूध पीछे पीऊंगा, पहले मेरी बात सुन लो, आप बताओ दूध रख दिया एक तरफ ने कि बहन मैंने जो है ना गुरुजियों से नाम ले रखा कबीर भगवान था। अच्छा अच्छा बड़ी अच्छी बात, फिर तो अब मैंने सतनाम लेना है उनसे, उन्होंने मेरे से एक शर्त रखी है कि इस एक सात हाथ का सफेद वस्त्र चाहिए, अगर वो वस्त्र मुझे मिले तो मुझे नाम मिले, नहीं तो मेरे जीवन बर्बाद होगा। वह कहने लगी भाई फिर वस्त्र तो बहुत है बाजार में, नहीं आपके पास एक धोती है बिल्कुल साफ सुथरी और ताजा, जो वाली धोती का भाई गली है मेरे पास। फिर उसने सारी बताई कि ऐसे ऐसे जो धोती तूने तैयार की है ना, गंगा जल जाकर अपने आप बाड़ी उसमें कपास बो गए और वो आपने हाथ से बना रखी है, वो धोती मुझे दे दे भाई बहन, अच्छा तुम उसके बदले में कितना मुंह मांगा धन ले ले। वह कहने लगी राजन वो धोती मैं नहीं दे सकती, वो मैंने अपने भगवान जगन्नाथ के लिए बना रखी है, वो तब तक प्रथम स्टेज का नाम लिए हुए थी और ये धोती, इस धोती के अंदर मेरे एक एक तार में मेरा प्यार भरा था अपने भगवान के प्रति, जगन्नाथ के प्रति, और भाई ये मैं तुझे दू को ना। जो बोला भाई तू एक बार फिर सोच ले इस बात ने, मेरा जीवन बनस है और देखे धोती का तू और भी ले सकती है। आखिर में ये कह दिया मैं तुझे पांच काम दे दूंगा बहन, मेरा जीवन सफल हो सा नहीं मेरा जीवन बिगड़ जाएगा, मेरा मनुष्य बर्बाद हो जाएगा मनुष्य। नवली जी कुछ भी कहो, कहो तो आपकी नगरी त्याग दो और सजा दो दे मुझे स्वीकार कर लो, लेकिन यह धोती मैं अपने भगवान के लिए बना रखी है कति नहीं। वीर सिंह रोने लग जाता, आंखें पानी आ जाता, बहन तेरा खोट नहीं मैं पापी गना हूं, आपका दोष नहीं है, मेरे कर्म मारे हैं, गुरुजी ने ऐसी शर्त रख दी, अब ये पूरी होना मेरा जीवन बर्बाद होगा। फिर कहता बहन एक बार फिर सोच ले, मेरे जीवन का सौदा है। कहने लगी भाई मैंने तो सोच रखी है महाराज जी, आपने जो सजा देनी हो शर्माथ है, और यूं का भी आपका नगर छोड़ दो शर्माथ है, पर धोती आपको नहीं दूंगी, ये मैंने अपने भगवान को चढ़ानी थी। अब वापस जब पहुंचा मालिक ने तो बेरा था कबीर भगवान ने कि वहां उसको क्या जवाब मिलना है, वापस आ गया और कति उसका चेहरा उतरा हुआ,
वीर साहब कहने लगे आओ वीर सिंह वो पोसर ले आए। अकेले आए महाराज जी, मैं तो मंदभागी हूँ, दुर्भाग्य जीव हूँ, मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे भाग में ये भक्ति है ही नहीं। क्योंकि क्या हुआ कि वो बहन ने बिल्कुल साफ जवाब दे दिया कि मैं तेरा राज त्याग सकती हूँ, ये आपका जो सजा तो आप दोगे मुझे मंजूर है, लेकिन यह धोती नहीं दूंगी। क्यों, क्या करेगी उसका? वो कहती है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा आऊंगी अपने भगवान पर। तो कबीर साहब कहने लगे भी एक बात कर लेता है, ये मैं अपनी शरत को लूज करता हूँ, ढीली करता हूँ। अब क्या, ये जो धोती चढ़ाने जा रहा ना, उसके साथ तो मदद की खातर है, और कोई सैनिक भेज दे और रस्ते में उस बहन ने कोई दिक्कत ना हो, अगर वो ठीक ठाक चढ़ा कर वापस आ जाएगी तो तेरा मैं तेरे को नाम दे दूंगा, या कर इतना कर दे। बड़ा खुश हुआ, ओए भगवान आपने तो मेरी सारी समस्या हल कर दी, अपनी बहन को पालकी में बिठा दू और ना जाने के उसके साथ कैसे भेज दू, झाड़ू देते हुए आगे आगे कर दू। अकी उसको पूछ ले वो कैसे जाना चाहती है। उसी समय उसने चार सिपाही भेजे, तीन चार। उस बहन के मन में था कि राजा लोग घर पर जाकर सोचा करें, अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा और कोई न कोई हुक्म आदेश मेरे लिए होगा, पर मैं तैयार बैठी हूँ आन दे उनका। तो जब उससे भाई देखे वह जाएगी कि बात तो ही बिगड़ेगी। अकाजा भाई को कराना हुआ कि बहन राजा ने ये कहा कि तू किस दिन जाएगी वहां पर जगन्नाथ के मंदिर की तरफ, कब प्रस्थान करेगी, काशी से वहां जाना जगन्नाथ के मंदिर में उड़ीसा में। क्या मतलब भाई तुम्हारा, कि राजा ने कहा है कि आपके साथ सैनिक भेजेंगे, कहीं रास्ते में अपनी बहन को तकलीफ ना हो जाए, कोई ऐसा बदमाश आदमी ना टकरा जाए, और साथ में एक बैलगाड़ी के अंदर खाने का सामान आपके साथ भेजेंगे, और इस प्रकार आपकी सुविधा में सहयोग देंगे, सुविधा देंगे आपके वहां भगवान के तक पहुंचने और आने और जाने में। उसने दिन बता दिया, उस दिन चलूंगी, और कहा कि आपको बैलगाड़ी में बिठवा देंगे, नहीं पैदल जाऊंगी मैं। अच्छा भाई ठीक है, उन्होंने जाकर बता दिया और राजा ने सारी व्यवस्था कर दी, पांच सात सैनिक भेज दिया, कह दिया कि इस बहन को रास्ते में जरा सा भी अगर कोई उन्नीस से किस होगी तो तुम्हें खत्म कर दूंगा, बड़े आदर के साथ ले जाना अपनी बहन को, आदर से जाना। एक दो सहेली और उनके साथ थी, दो चार भक्त और थे साथ में, वो सैनिक भी थे। जगन्नाथ के मंदिर में स्नान करके उस बहन ने, और जाके वह जो धोती वाले के गई थी वो वस्त्र भगवान के चरणा में मूर्ति का दौरा कर दिया के पास रख दिया, वो वहां से वो धोती उठी अपने आप और बाहर जाके मंदिर के बाहर गिर जाती है। आकाशवाणी होती है कि नादान ये धोती मैंने वीर सिंह द्वारा काशी में मंगवाई थी, वहां तो तूने दी को ना, और यहाँ आगे डड़े डोण 1000 किलोमीटर दूरी पर। वो कहती है भगवान वो तो कबीर साहब ने मंगाई थी, अक वो कबीर ही जगन्नाथ जगदीश है, वो पूर्ण परमात्मा है, और जाके उनके पैर पकड़ ले, मुझे तेरी धोती की आवश्यकता नहीं है। गुरु मानुष कर जानते वो नरकई अंध, और महा दुखी संसार में आग गए यम के फंद। वहां से चल पड़ी थी रोती हुई, आंखों में पानी पड़ा, धोती सिर पर धर लिया, रोती 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 वहां पहुंची। भगवान कबीर साहब भी उस दिन वहां विद्यमान थे, वीर सिंह बघेला भी बैठा था। जब लड़की रोती रोती जाके भगवान के चरणा में गिर जाती है कबीर साहब क्या में, और धोती उनके चरणा में पटक देती है। वीर सिंह ने सोचा बात बिगड़ गई तेरे माड़े भाग से, इस लड़की को किसी ने 1921 कह दिया और गुरु जी का शिकायत लाना ईसा तो, और तुझे नाम उपदेश मिला नहीं। उसने सैनिक अलग बहुत बुलाए, कहने लगी कमबख्त तो बताओ तुमने क्या कह दिया, क्या हो गया इस बहन को, क्यों रो रही है। उन्होंने बताई कि इसने जाकर धोती भगवान के चरणा में चढ़ाई थी, वो मूर्ति क्या में ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, धोती दूर जाके गिर गई। उसने कहा कि वो भगवान तो वहां बैठे हैं तेरे गुरुदेव भगवान, और यहाँ आ गई तो इतनी दूर नादान रेड होने के लिए, ले जा इस धोती को उनके चरणा में धर दे।
और वीर सिंह का भी भ्रम मिटाना था, क्योंकि उसके मन में भी महाराज एक साधारण से व्यक्ति दिखे थे, और जब तक वो साधारण व्यक्ति दिखते थे इतना भक्ति बने नहीं, आपकी कति नहीं बन सकती, आत्मा व भावना बने कोई ना। तो ऐसे ही वीर सिंह एक तीर में दो शिकार किए उस मालिक ने, वीर सिंह के अंदर वो प्रवेश करनी थी कि परमात्मा ही है ये, या दूसरी चीज नहीं है, और उधर से उस नादान आत्मा की साधना को करेक्ट करना था कि गुरु को तजे भजे जो आना तापसवा को फोकट ज्ञाना। नो बोलिए परमात्मा, ए मालिक हमने नहीं बेरा था आप ईश्वर हो, ए मालिक आपने पहले क्यों नहीं बताई, मेरी के तो माननी थी, रोज कहा करता गुरु भगवान होता है, गुरु के भगवान मानना चाहिए, पर तेरा जचीत है कोई ना, तुमने सोची कहन कहन की बातों से भगवान थोड़ा मंदिर में पाओगा, मूर्ति को मैं भी लगा, और गुरु जी तो वही हों से बीच में चल से न बोले जी आप दान दे थी, अपना आँख खोल दी चौखा भी थोड़े में खुल गई, ये भी शुक्र मना तेरे भाग अच्छे से, जिसके लिए परमात्मा स्वयं बोल रहा है तो तेरी भक्ति में कमी नहीं से, जब उसको दूसरा दोनों को उसमें द्वितीय नाम दिए, सत नाम दिया, उनका बेड़ा पार हुआ। तो यहां पर हमने गुरु को परमात्मा के तुल मानकर अपनी भक्ति को प्रफुल्लित बनाना चाहिए, और ऐसी सब प्रकार हमारी जो भावना होनी चाहिए अपने इष्ट के प्रति बहन चंद्र प्रभा जैसी, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी थी उसने, गुरु को न्यारा मान रखा था, जैसी उसकी श्रद्धा जगन्नाथ के प्रति थी ऐसे ही भगवान को जगन्नाथ मानते हुए, इष्ट मानते हुए, परमात्मा मानते हुए उसकी इतना ही लौ लानी चाहिए जितने उसने लगा रखी थी। तो ऐसे वीर सिंह बघेला और चंद्र प्रभा बहन के दोनों के उतन भाग उदय हो गए और उनको सत मार्ग का ज्ञान हो गया। अब हमारे मन में क्या धारणा होगी है कि हम संत मानते हैं जो ज्यादा अच्छे विद्वान पुरुष होते हैं, संस्कृत ज्यादा जानते हो, आजकल जो इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं उनको हम ज्यादा महत्व देने लगे, और थोड़े दिन में हो जाएगा जो अंग्रेजी में बोला करेंगे ना उसको कहा करेंगे बहुत अच्छा वक्ता है। भाषा जो होती है ना, भाषा इसका काम होता है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा देना, बस वो चाहे अपनी मातृभाषा है और चाहे अंग्रेजी चाहे संस्कृत है और चाहे कति लोकल भाषा हो, वो बात उसकी समझ में आ जानी चाहिए, ये क्या कहना चाहता, भक्ति कैसे होती है, ये भाषा का काम है। ज्ञान हो जाना, विद्वान हो जाना और उसके पास भक्ति श्रेष्ठ नहीं है तो भी इंसान फेल है, चाहे उसको चारों वेदों के कष्ट याद हो और चाहे सारी दुनिया में एक नंबर के शास्त्र शास्त्रार्थ में वो सबसे उत्तम हो, लेकिन शास्त्रार्थ से बात नहीं बनेगी, भक्ति से बात बनेगी। वे ऑफ वर्शिप सही होनी चाहिए तो हमारी मुक्ति निश्चित है। एक समय की बात है कि एक सर्वानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, विद्वान पुरुष काशी विद्यापीठ में पढ़े हुए, उन्होंने अपने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को पराजित कर दिया था, और सभी को जो पराजित कर दिया था क्योंकि वो शास्त्रों को साथ लेकर चलता था बैलों के ऊपर गाड़ी में धरके रख के। सर्वानंद की आयु लगभग 35-40 वर्ष की हो चुकी थी, उनकी माता एक दिन कबीर साहब के सत्संग में चली जाती है, उस माता को बीमारी बहुत थी, काफी दिनों से तकलीफ थी, उसने अपनी सारी साधनाएं भी कर ली थी, वैद्यों से दवाई भी ले ली थी पर कोई लाभ नहीं हो रहा था। एक दिन वो कबीर साहब के सत्संग में गई, उन्हें सुन रखा था कि कबीर साहब अगर कृपा कर दें, अगर उनकी दृष्टि भी पड़गी तो भी आप स्वस्थ हो सकती हो, लेकिन कबीर साहब जुलाहा एक छोटी जाति वाले और वो ब्राह्मण जाति उत्तम श्रेणी की, अब कबीर साहब के सत्संग में जाने में आनाकानी करती थी कि उस छोटी जाति वाले महात्मा का कैसे सिर पर आदर वाली, पर जब पीड़ा इतनी गहरी होगी कि रात और दिन रोवा बैठ कर बुढ़िया, अब जब ये इंसान दुख होता है ना इसको,
फिर ये जात और मजहब भूल जाता है। फिर इसमें जाति मजहब नहीं याद आते, अपना जीवन दान की भिक्षा मांगने जाता है। तो वो वहां पहुंच गई सत्संग में, और जैसे और प्रणाम करे थे दंडवत, ऐसे प्रणाम किया और चरणों में सिर रखा। कबीर साहब ने ऐसे सिर पे हाथ रख दिया, सभी के रख रहे थे, सिर पे हाथ रखते ही वो स्वस्थ हो गई, उसका पीड़ा को नहीं। अब भाई देखो, ज्ञान और चीज से समाधान न्यारी चीज से, वह जानगी कि भगवान है ये, केवल संत नहीं है। चरणा में पड़गी सत्संग के उपरांत के भगवान मुझे उपदेश दे दो। कहने लगे, माई कौन है तू कि मैं सर्वानंद की माँ हूं, ब्राह्मण जाति से कि मैं तो जुलाह हूं। अरे एक बात सुन लो, अगर आपके मन में उपदेश लेने के बाद ये हीन भावना आ गई कि हमारा गुरु जी तो नए शहर छोटी सी जाति वाला, तो आपका जो है ना नाम खत्म हो जाएगा, आपकी भक्ति नहीं रहेगी। अगर महाराज ये तो बात दूर गई, ये तो बातें बहुत दूर गई। मालिक आप पूर्ण परमात्मा हो, आपने तो मेरा असाध्य रोग ठीक कर दिया, मैं तो आप ही को परमात्मा तो मानूंगी। जो जमीन इधर से उधर हो जावे, उपदेश ले लिया अर्थात तो वजन करे। उसके लड़के ने क्या सोचा सर्वानंद ने, कि मैंने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया, पराजित कर दिया है, अब मैं मां से कहूंगा कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दे, सबको जीतने वाला। वो अपनी मां के पास गया, कहने लगा, मां कहा भाई आ जा, कि मैंने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, हरा दिया है। ठीक सा भाई, बढ़िया करे, बड़ी अच्छी बात है। माँ आप मुझे जो ना आज से सर्वाजीत नाम रख दो मेरा। ना बोली, भाई बात सुन, माँ तो सर्वाजीत कहेगी जब जब तू कबीर साहब को पराजित कर देगा, हरा देगा। पहले तो हंसा कि मेरी माँ भी कतिय बावड़ी लगी, मैंने कति भोड़ी है, ए भोली माँ न्यू बता, वो ना तो संस्कृत जानता, ना उसने कोई शास्त्रों का ज्ञान, वो तो आर्या उर्या पड़ा है, एक मिनट में रह जाऊ, उसका क्या राना, उजवान थोड़ा ही है। न बोली, भाई चाहे कुछ भी ना सब, वो कुछ भी नहीं है और वो सब कुछ अभी रहा। जब तू उसको हरा कर लिखवा लेगा ना उस महापुरुष से, तो ना अंत अपने बेटे ने सर्वाजीत कह दूंगी, ना मैं तो तेरा सर्वाजीत कहूं को ना। वो तो लेकर अपनी बैल गाड़ी धर के सारे उसको अथिया वो शास्त्र और चल पड़ा दी। अब पहुंच गया उस मोहल्ले में जहां वो दुलाए रहते थे, वहां पर एक कुआ था पानी का, दोपहर का समय था, और वो जो कमाली लड़की कब्र से निकाल कर कबीर साहब ने जीवित की थी, वो उनकी बेटी के रूप में रहती थी और उन्हीं के पास भक्ति करती थी। वो कमाली वहां पर कुएं से पानी निकाल रही थी, अपने मटके में डाल रही थी, और सर्वानंद को इतनी गजब प्यास लगी कि पानी ना मिला तो प्राण त्याग सकता था। उसने जाते ही कहा कि एक लड़की मुझे पानी पिलाओ। अकेले महाराज जी, वो बाल्टी पानी की बकेट निकाली थी, उसको पिला दी, उसने ऐसे ओक करके पानी पी लिया। अब सभी, क्योंकि इस मोहल्ले में पंडित आया हुआ विद्वान पुरुष, सबने मालूम वो तो जुलाहों का मोहल्ला था, तो जुलाहों का ही कुआ था। तो जब उसने देखा ना पानी पी गया, कोई देखता तो नहीं है, कि मेरा ज्ञान तो था इसको कि पानी कौन किसका है, कहाँ का कुआ है। वो देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, तो सभी उसकी तरफ देख रही है, क्योंकि उस जुलाहों के मोहल्ले में पंडित जी आ जाए तो सारे देखे, सभी देख रही है। वो शर्मिंदा हो गया कि क्या कहेंगे कि जुलाहे के कुएं का पानी ब्राह्मण पी रहा है। उस लड़की पर डांट मारते हैं कमाली पे, तो किस जाति की है ये, कुआ किसका है। वो कहने लगे, जी मैं तो जुलाहा जाति की हूं और ये जुलाहों का ही कुआ है। कहते, निकम्मे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जुलाहों का कुआ है। जो बोले, पंडित जी तूने पहले क्यों नहीं पूछा, एक पेट भर गया ना तेरा, जब तक आप प्राण आंखों में आ रहे थे तेरे, जो तो सोची थी पानी पी दे पाछ से देखी जाएगी जो होगा, आपको सारा मालूम था। फिर चुप हो जाता है, कहता, लड़की यहाँ वो कबीर कहाँ रहता है मालूम है, कबीर का घर कहाँ है। कमाली बोली, कबीर का घर शिखर पर, सतलोक का सबसे ऊपर चोटी पर,
और जहां सलोली बाट गल गल कहे रास्ते में जहां सलोली गल और वहां पावना पट्टक पपील के यो पंडित लाग रे बैल इन दिन पूछा तो पढ़ने तो परमात्मा नहीं मिलो। एक करनी है नाम सतनाम की, उस नाम से ईश्वर प्राप्ति होगी। वो कबीर साहब पाओगा अपने कहने लगे कमाली कहने लगे बहन बिटिया तो सीधे मुंह बात कर, यहाँ कबीर साहब कहाँ रहते हैं कि सामने झोपड़ी में, वो सामने में झोपड़ी है उसमें भगवान रहते हैं कबीर साहब। और पंडित जी वहां पहुंच गया जी, कमाली भी अपना भर का मटका पानी का उनसे पहले पहुंच गई। कहने लगे महाराज जी एक बहुत बड़ा विद्वान आने लग रहा है और बहुत गाड़ियों पर शास्त्र धरे हुए बहुत बड़े बड़े। कहने लगे बेटी आन दे, मेरे पास तो रोज ही आते खसने के लिए दो चार, आप आदत बस ढीठ हो रहे हैं भाई, आखिर ना मानेगा हाथ जोड़ लेंगे तू जीतता हमारे, इन्होंने मानना है नहीं हमारी बात को क्योंकि अपनी बातों की प्रमुखता रखते हैं, चाहे वो गलत है चाहे ठीक है, क्योंकि वो विद्वान हो रहे हैं, वो चातुर प्राणी हो चुके हैं। जो ही वो कबीर साहब की झोंपड़ी के सामने पहुंचा कमाली वापस आ जाती है, कहा महाराज जी कैसे आना हुआ। कहने की ले लड़की ये लोटा है पानी का पूरा लबा लब भरा हुआ ऊपर तक पानी का भरकर और कबीर साहब को दे दे, इसका जो उत्तर दे वो मुझे देना। कबीर साहब के पास लेगी कि ये महात्मा ने कह रहा है जी कि इसमें जो उत्तर देंगे वो वापस से मुझे बता रहा। कबीर साहब ने उसमें सुई डाल दी, एक सुई डाल दी और वापस दे दिया कि ले जा बेटी, उसको दिया महात्मा को। अब वो आया, आके लेके आई तो लड़की ने कहा कि लो जी महाराज क्या कहा कबीर ने, कहा कुछ नहीं इसमें एक सुई डाल दी है। कहने कोई जवाब हुआ, वो समझा नहीं मेरे इशारे को, हाँ हो सकता नहीं समझाओ आप समझा दो अंदर जाके। अंदर गया, कहने लगा कबीर तुमने ये क्या किया। कबीर साहब बोले आपने किस लिए भेजा था ये लोटा। मैंने इसलिए भेजा था कि मेरे साथ शास्त्रार की गुंजाइश नहीं है तेरी, मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं कि जैसे ये लोटा पानी का भरा हुआ है इसमें और पानी नहीं समाएगा वो बाहर ही जाएगा, तो आपने सुई क्यों डाली। मैंने सुई इसलिए डाली कि मेरा ज्ञान जैसे सुई जमीन नीचे पहुंच गई ना सबसे नीचे और तेरा पानी बाहर हो गया, मेरा ज्ञान ऐसा है अगर ये ज्ञान आ गया ना तेरा सारा पानी बाहर हो जाएगा, मेरे ज्ञान ऐसे तेरी तली में जाकर रुकेगा आर पार हो जाएगा। फिर जी प्रसंग शुरू हुई, कहते बातचीत करो आप करो, नहीं आप पूछो क्या पूछना है। तो वही पर प्रश्न किया कि ब्रह्मा का पिता कौन है और कौन विष्णु की माँ, ये शंकर का दादा कौन है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।